हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंदर प्रपोजल के बारे में या ऑफर के बारे में, जिसको प्रस्थापना भी कहते हैं। देखिए, जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं। जो सबसे पहला एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को करने का, उसके अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने कुछ प्रपोजल रखती है, कुछ ऑफर रखती है। प्रपोजल और ऑफर में क्या फर्क है? देखिए, प्रपोजल और ऑफर में हमारे यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्रपोजल और ऑफर को एक साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक की जगह पे दूसरे को इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश लॉ के अंदर इसी को ऑफर बोला गया है, लेकिन हमारे यहाँ जब सेक्शन 2A आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इसके अंदर प्रपोजल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को प्रपोजल देती है, ऑफर देती है। ये सेक्शन 2A के अंदर बताया गया प्रपोजल क्या होता है। जब दूसरी पार्टी उस प्रपोजल के लिए अपनी एसेंट देती है, राजी होती है, तो ये प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेक्शन 2B के अंदर बताया गया है। अब उसी प्रॉमिस के अंदर अगर कुछ कंसिडरेशन आता है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। ये कहां बताया गया? सेक्शन 2E के अंदर। फिर यही एग्रीमेंट अगर ये इन्फोर्सेबल हो जाता है लॉ द्वारा, तो यही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये कहां बताया गया? सेक्शन 2H के अंदर। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है najeebkhan11, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और मेरे दूसरे सोशल मीडिया का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेर एक्ट खोल लीजिए, इसके अंदर सेक्शन 2A को देखिए। सेक्शन 2A क्या कह रहा है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. जब कोई एक व्यक्ति सिग्निफाई करता है दूसरे को अपनी इच्छा, willingness to do or to abstain from doing anything, कुछ करने के लिए या किसी चीज को ना करने के लिए, with a view, किस नजरिए से? With a view to obtaining the assent, यानी सामने वाले की उस पर सहमति obtain कर सके, of that अदर टू सच एक्ट, उस एक्ट के लिए या एब्सटिनेंस के लिए, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो ये कहा जाएगा कि वो प्रपोजल दे रहा है। अब इसका सेक्शन 2B कह रहा है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अब जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्ट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अब जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपनी एसेंट, अपनी सहमति उसके ऊपर सिग्निफाई करता है, तो इसको बोला जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ वो प्रॉमिस बन जाएगा। आगे लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के अंदर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है उसको बोला जाएगा कि प्रोमिसर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी, इनको ऑफरर और ऑफरी भी कहा जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो हमें तीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिलते हैं इस ऑफर के अंदर। पहली चीज क्या है? जहां पे एक व्यक्ति दूसरे को सिग्निफाई कर रहा है। दूसरी चीज क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है? अपनी विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तीसरी चीज, ताकि उसकी एसेंट को ऑब्टेन कर सके। तो यहां पे अब हम लोग ये जानेंगे कि सिग्निफाई करने का मतलब क्या होता है, यानी वन पर्सन कैसे सामने वाले को सिग्निफाई करता है। इसका जवाब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है कि सिग्निफाई का मतलब सामने वाले को कम्युनिकेट करना, यानी जो प्रपोजल देगा वो सामने वाले को कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए, इसके अंदर कुछ ये नहीं कहा गया है, इसके अंदर सेक्शन 2A के अंदर कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि आप सामने वाले को प्रपोजल कैसे देंगे। और सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, एक वैलिड प्रपोजल जो है वो दिया जा सकता है वर्ड के जरिए, चाहे लिख के, चाहे बोल के, या कंडक्ट के जरिए भी। यानी आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं बोल के, लिख के, बात करके, और कंडक्ट से भी दे सकते हैं उसको प्रपोजल। तो यानी ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आप हमेशा राइटिंग में ही करें। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है, गिफ्ट रिलेटेड बताया गया है कि जिसको रजिस्टर करना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ऑर्डिनरी रूल है वो क्या है कि ऑफर आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि क्या आप मेरा गेमिंग लैपटॉप या मेरा गेमिंग कंप्यूटर खरीदेंगे 20,000 रुपए का, ये एक ऑफर देना हो गया। हमने आपको टेक्स्ट मैसेज भेज के कहा कि क्या आप मेरा गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहेंगे, ये भी ऑफर हो गया।
तो हम इस तरह से भी आपको ऑफर दे सकते हैं। हमने आपको फोन उठा के कर दिया कि क्या आप मेरा गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या मेरा गेमिंग कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं 20,000 रुपए का, ये भी ऑफर हो गया। ऑफर जो होता है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब इस तरह का भी ऑफर हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आपको कोई ऑफर दे रहा हो, कोई प्रपोजल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस जा रही है, आप बस पे सीधा चढ़ गए, बस वाले ने आपसे कुछ नहीं कहा लेकिन आप बस पे चढ़ गए, तो ये इम्प्लाइड ऑफर है कि बस जहां जा रही है, जो बस का रूट है, आप उस पे चले गए, आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब जितना किराया होगा वो आपको देना पड़ेगा, इस तरह से भी हो सकता है ऑफर। ऑफर इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे आपने स्टेशन में देखा होगा कि वेट करने वाली मशीन है, मशीन वहां पे लगी है, मतलब कि आप जैसे उसके अंदर कॉइन डालते हैं आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस तरह से भी ऑफर और एक्सेप्टेंस हो सकता है। यहां पे कोई आपसे कुछ कह ही नहीं रहा है, ये इम्प्लाइड हो रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जो वहां पे कोई आपको मेनू ला के दिखाता है कि खाने में क्या क्या चीज है, आप खाना खाते हैं, तो इसका मतलब आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे जो ऑफर है वो इम्प्लाइड है, कंडक्ट के जरिए। तो ऑफर जो है एक्सप्रेस तौर से भी हो सकता है, खुले तौर पे जैसे हमने आपको बताया लिख के बोल के बता के, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, कंडक्ट के जरिए भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आप किसी के साथ लिख के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या लिख के आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो ये बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से बाइंडिंग हो सकता है, इन्फोर्सेबल हो सकता है। अगर किसी ने आपको ओरली ऑफर दिया खाली मुंह से बोल के, हालांकि इसको प्रूफ करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है, काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया तो समझ लीजिए ये पूरी तरीके से इन्फोर्सेबल हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है सर्टेनिटी ऑफ ऑफर, यानी जो ऑफर दिया जाता है उसके अंदर कुछ सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जैसा कि सेक्शन 29 के अंदर बताया गया, अगर सर्टेनिटी नहीं होगी तो ये वॉइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं कि हम आपको 100 लीटर तेल देंगे, 100 लीटर तेल जो है वो बेचेंगे 5,000 रुपए का। अब उसके अंदर कुछ नहीं लिखा कौन सा तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, खाना पकाने वाला तेल, सर में लगाने वाला तेल, उसमें कुछ नहीं लिखा, तो इसमें सर्टेनिटी नहीं है। तो ऑफर जो है वो सर्टेन होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जो ऑफर है उसका कम्युनिकेट होना जरूरी है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि ऑफर को सिग्निफाई करना पड़ेगा आपको, सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब इसके सेक्शन 4 के अंदर ये बताया गया है कि ऑफर जो है इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, जब जिस व्यक्ति को आपने कम्युनिकेट किया है उसके नॉलेज में ये आ जाए। तो अगर कोई इंसान जो है ऑफर के बगैर जाने उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मान लीजिए कि कोई ऑफर दिया, आपको उस ऑफर की जानकारी नहीं थी और जो उसके अंदर मैंने कहा आपने उसको फुलफिल कर दिया, उसको पूरा कर दिया, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का खो गया था तो मैंने कहा कि क्या कोई उस लड़के को ढूंढ सकता है, क्या कोई उस लड़के को ढूंढ सकता है। आपको लगा कि लग रहा बहुत परेशान है, चलो इनके लिए हेल्प कर देते हैं, उस लड़के को ढूंढ के लिए आते हैं। आप ढूंढने चले गए, हमने कहा अब आपके जाने के बाद कि जो उस लड़के को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 501 रुपए इनाम में दूंगा। अब जब आप लेके आए बच्चे को ढूंढ के लिए आए, अब आपको पता चला कि हम ऐसा ऑफर भी दिए हुए थे, तो आप बच्चे को ढूंढ के लिए आए, उसके बाद अगर आप मेरे अगेंस्ट केस करते हैं पैसा वसूलने के लिए, उस रिवॉर्ड को वसूलने के लिए, तो यहां पे आप उस पैसे को वसूल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो ऑफर हमने दिया था वो आपके नॉलेज में था ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है जब तक वो आपके नॉलेज में ना हो। तो यही कहने का मतलब है कि ऑफर जो है अगर आप कोई इग्नोरेंस में एक्सेप्ट करते हैं तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ऑफर तभी एक्सेप्ट हो सकता है जब वो आपकी नॉलेज। आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, इसी के ऊपर ये एग्जाम्पल बेस्ड था। देखिए, अब ऑफर भी जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। एक जनरल ऑफर, जनरल ऑफर करने का मतलब कि तमाम लोगों के लिए एक ऑफर देना, जनरली ऑफर दे देना, कोई भी उसमें से एक्सेप्ट कर सकता है। और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब कि किसी एक डेफिनेट इंसान को इसका ऑफर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे बोला कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑफर हो गया। सिर्फ आपसे पूछा, दूसरों से नहीं पूछा, कोई और इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जनरल ऑफर के अंदर क्या होता है कि तमाम लोगों के लिए बोल दिया कि कोई भी इसको ऐसा करेगा तो इसके बदले में हम ये करेंगे, ये क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया। इसके अंदर जितने भी लोग इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे उतना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता जाएगा ऑफरर और ऑफरी के बीच में, जिसको हमारे ऑफर की जानकारी होगी, जितने लोग भी एक्सेप्ट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी तरह के केस में हमने एक रिवार्ड घोषित किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई इस व्यक्ति की अगर सूचना हमें देगा या कोई भी इंसान इस व्यक्ति को ढूंढ के लाएगा तो इसके लिए हम इतना रिवार्ड देंगे,
तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोग उसको लेके चले आएंगे सबको इनाम देना पड़ेगा। इस तरह के केस में जो व्यक्ति, मान लीजिए कि जैसे कोई सूचना की बात कहा कि जो ऐसी खबर लेके आता है, उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति आएगा उसके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का 1893, जिसके अंदर एक कंपनी ने कई न्यूज़पेपर में यह एडवर्टाइजमेंट दिया कि इनके कंपनी की जो स्मोक बॉल्स है अगर कोई उसको खाएगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर किसी को होता है तो उसके लिए हम 100 पाउंड इनाम में देंगे। तो एक कार्लिल थी जिन्होंने उनकी स्मोक बॉल खाया, स्मोक बॉल को खाया, लेकिन उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो कोर्ट में क्या हेड हुआ कि हाँ वो एंटाइटल है इस अमाउंट, क्योंकि उन स्मोक बॉल्स के यूज करने से उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट का, यानी जब कोई व्यक्ति सामने वाले को कोई ऑफर या प्रपोजल देता है तो यहाँ पे एक प्रेजम्पशन होता है कि वो उसके साथ जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है। हालांकि इनकी डिफिनेशंस में कहीं भी ऐसा बताया नहीं गया है कि ये इंटेंशन होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट जो है आमतौर पर इस चीज को प्रेज्यूम करके चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि हमारे घर पे आना डिनर के लिए, तो यहां पे हमारी कोई इंटेंशन नहीं कि अगर आप नहीं आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एक इंटेंशन होनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑफर से जुड़ा हुआ क्रॉस ऑफर का। क्रॉस ऑफर क्या होता है, जैसे सपोज डेट कि हमने आपको एक ऑफर दिया, आपको इस बात की नॉलेज नहीं थी, आपके पास एक मैसेज भेजा कि क्या आप मेरी बाइक खरीदेंगे, आपको इस मेरे ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी, आपने भी उधर से मुझे एक लेटर भेजा मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूं, तो यहां पे हम लोगों का क्रॉस ऑफर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस भी हो गई, यहां पे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें अपने ध्यान में रखना है कि एक वैलिड ऑफर क्रिएट करने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग चलिए कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। अब सपोज डैट कि मैं ये कहता हूं कि मेरी एक बिल्ली थी जो गुम हो गई है, क्या कोई उसको ढूंढ के ला सकता है? आप ये सुनते हैं कि सर की बिल्ली खो गई है, मैं ढूंढ के लाता हूं, आप उसको ढूंढने चले जाते हैं। जब आप ढूंढने चले जाते हैं तो मैं उसके अंदर एक रिवॉर्ड घोषित कर देता हूं कि 1000 रुपया मैं दूंगा जो मेरी बिल्ली ढूंढ के लेके आएगा। आप मेरी बिल्ली लेके आते हैं, मुझे देते हैं, आपको पता चलता है कि मैंने तो उसके ऊपर 1000 रिवॉर्ड घोषित किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है। आप कहते हैं 1000 दीजिए, हमने कहा हम नहीं देंगे भाई, हमने तुम्हारे केस में जब तुम गए थे तो हमने कोई ऑफर नहीं दिया हुआ था। तो आप चले जाते हैं मेरे अगेंस्ट जो है सूट फाइल करके मुझसे पैसा वसूलने के लिए कि इन्होंने जो है मुझे रिवार्ड का पैसा नहीं दिया। तो क्या आप बताइए कि क्या मुझसे आप वो रिवार्ड का पैसा वसूल सकते हैं या नहीं? इसका जवाब कमेंट करके आप हमें बताइएगा। जो भी इसका जवाब दीजिएगा हाँ या नहीं में, हमें रीजन जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकल बेस। देखिए, एक व्यक्ति ए है जो एक मॉल में जाता है और देखता है वहां की एक लिवाइस का शोरूम है, तो वहां एक जींस टंगी रहती है जो उसको बहुत पसंद आती है। उसमें टैग लगा रहता है कि ये जींस का प्राइस जो है 5000 रुपए। वो उस जींस को उठाता है और पैसा देने लगता है कैशियर को। कैशियर कहता है कि हम इस जींस को नहीं बेच सकते हैं, ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बाहर लगाई गई है। वो कहता नहीं, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने ऑफर दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको बेचना ही पड़ेगा। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुई? क्या अब वो शॉपकीपर बाउंड है उस जींस को बेचने के लिए? अगर हाँ या नहीं, दोनों ही केसेस में आप रीजन के साथ आंसर दीजिए कमेंट करके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लॉ में भी आपने एडमिशन लिया है और लेने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से घर में बैठ के प्रिपरेशन करें या किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें ताकि फ्यूचर में बगैर टाइम बर्बाद करें जब आप लॉ पढ़ते रहें उसी टाइम आपकी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी हो जाए, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस गाइज़।